नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है शनि के गोचर से होने वाले प्रभावों की। 24 जनवरी 2020 को शनि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस गोचर का कन्या लग्न व राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि का गोचर कन्या राशि वालों के लिए चौथे भाव से पाँचवें भाव में होगा और इसकी दृष्टि सातवें भाव पर, ग्यारहवें भाव पर तथा द्वितीय भाव पर होगी। सबसे अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए ये है दोस्तों कि 24 जनवरी को उनकी ढैया भी ख़त्म होने जा रही है। उसके प्रभाव से उनका मस्तिष्क एकदम तनाव मुक्त हो जाएगा और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगर इनके लग्न की, तो शनि का प्रभाव उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा। वे अपने आप को मेंटली फिट महसूस करेंगे। लंबे समय से जो मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे वह अब ख़त्म हो जाएगा। सेहत अच्छी रहेगी। दूसरे भाव पर शनि की दसवीं दृष्टि होगी। यहाँ तुला राशि है, शनि यहाँ आपकी बहुत बचत व धन संचय भी करवाएंगे। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन अच्छे योग बनाएगा। स्वभाव में चंचलता रहेगी, वाणी में स्पष्टता आएगी। अपनी बात को एक ही बार में कह देने का आपका स्वभाव बन जाएगा। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध आपके रहेंगे। कोई छोटा वाहन, छोटी यात्राओं का योग उनके लिए बना हुआ है। इस दौरान आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आप फेमस भी हो सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के कई चांसेस आपको मिलेंगे। माता जी के स्वास्थ्य की बात करें तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा उनसे संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार में कोई यदि किसी मेंबर को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह सुलझ जाएगी। कुल मिलाकर परिवार में शांति रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई मैटर, काफ़ी समय से कोई डिस्प्यूट या कुछ चीज़ चल रही थी तो वह अब ख़त्म हो जाएगी। शनि का गोचर पंचम भाव में हो रहा है दोस्तों। पंचम भाव में गोचर से आपके पढ़ाई में जो आपकी कोई अड़चन वगैरह आ रही थी वह भी अब दूर हो जाएगी। आपको पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। बच्चे भी आपको अच्छी खबरें देंगे। उनका अगर पढ़ाई में मन नहीं था तो उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आपके लव अफेयर्स शादी में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि शनि जो है ज़्यादा कल्पनाओं में जीना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। या तो आपका लव अफेयर ख़त्म हो जाएगा या आप उसको शादी में कन्वर्ट कर लेंगे। जिन जातकों को संतान नहीं थी उनको संतान की प्राप्ति होगी। शेयर्स वगैरह में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रखा था तो वहाँ से अभी आपको प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। छठे भाव में भी शनि की राशि है दोस्तों, तो यहाँ पर शत्रुओं से जो है उनसे भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। वो शत्रुओं का आपके सफाया हो जाएगा, आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा। कोई कोर्ट केस वगैरह यदि आपका चल रहा था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा या आपके फेवर में उसका फैसला हो जाएगा। सेवन्थ हाउस की बात करें तो शादीशुदा ज़िंदगी में यदि कोई आपके प्रॉब्लम चल रही थी तो वह दूर हो जाएगी। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी हो जाएगी। अच्छे ऑफर्स आएंगे। बिजनेस में, पार्टनर में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी दूर होगी। पार्टनरशिप के नए ऑफर्स आ सकते हैं आपके पास। कुल मिलाकर बिजनेस में, अगर पार्टनरशिप में किसी तरह की कोई परेशानी से आप घिरे हुए थे तो उन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। लाइफ में रोमांस रहेगा। प्रॉपर्टी से लाभ आपको हो ही रहा है। यहाँ पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। पिछले 2.5 साल में ढैया के दौरान आपने जो कुछ भी खोया है वैसा भाग्य आपका आपको वापस दिलवा देगा। आप अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली महसूस करेंगे। आपके पिता का भी भाग्योदय होगा। धार्मिक जगहों पर जाने की उनकी रुचि बढ़ेगी। आपकी भी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपके प्रमोशन के पूरे योग हैं। और बात करें अगर लाभ भाव की, तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की क्या पोजिशन है। भी वह बर्थ में कोई चंद्रमा के साथ शनि की युति तो नहीं है। बाकी ये है कि कुल मिलाकर ठीक ठीक स्थिति रहेगी। अगर कुंडली में चंद्रमा आपका अच्छा है तो यहाँ भी पोजीशन ठीक है। अगर ख़राब है तो थोड़े से इसके आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। मन थोड़ा भटका महसूस करेगा, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग और कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी आपके सारे काम यहाँ पर चलते रहेंगे सही तरीके से।
आपकी बाकी नियत अच्छी रहेगी तो आपको यहाँ पर शनि निश्चित ही लाभ देंगे। और जहाँ तक 12वें भाव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। बाकी यह कि अगर आप किसी तरह के नशे से, मांस मदिरा वगैरह से अगर दूर रहेंगे तो वो सब खर्चे भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। अगर उन चीज़ों से आप नहीं परहेज करते हैं तो आपको थोड़ा हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था 24 जनवरी 2020 से कन्या लग्न व राशि वालों के लिए शनि के प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न व राशि वालों के लिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।